ये दरिया नदियों के बीच का जिला है और यहाँ बाढ़ रेगुलर आती रहती है। 1998 में सदी का सबसे भीषणतम बाढ़ यहाँ आया था और उसमें काफी लोगों का नुकसान भी हुआ था। और ये जो है देवरिया जिला काफी पिछड़ा हुआ जिला है। यहाँ बेरोजगारी और अशिक्षा काफी ज्यादा है। और एक तो जो है रोजगार मुख्य तौर पे यहाँ पे कृषि पे आधारित है, लेकिन कृषि की दशा भी काफी खराब है यहाँ पे। यहाँ पे काफी लोग पलायित होकर के बाहर में जाके काम करते हैं और यहाँ के लोग विशेष तौर में मुंबई, गुजरात और सऊदी अरब में जाके काम करते हैं और इसकी वजह से उनकी स्वास्थ्य की स्थिति भी खराब होती है और इसके वजह से एड्स और एचआईवी जैसे खतरनाक बीमारियों से वो प्रभावित होते हैं। पुरुष और महिला का अनुपात 870 के आसपास में है लिंग अनुपात, और महिलाओं की लिटरेसी रेट काफी नीचे है। और ये महिलाओं के लिए पूरे साल रोजगार नहीं मिलता और उनको घरों के अंदर रहना पड़ता है। यहाँ जो है ट्रैफिकिंग का भी काम, चूंकि नेपाल बॉर्डर से सटे होने के नाते ये ट्रैफिकिंग का काम होता है, चाइल्ड लेबर और महिलाओं की ट्रैफिकिंग।